किया। कैसे लगी है? कैसे लगे? आप देख रहे हैं डीडीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर उत्तर प्रदेश से है। आपको पता ही है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज लखीमपुर खीरी कांड चल रहा है। जी हां, लखीमपुर खीरी में आज भयंकर हिंसा हुई है और उस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा में मारे गए 8 लोगों में एक पत्रकार भी शामिल बताया गया है। हिंसा की कवरेज के दौरान एक पत्रकार की भी मौत हो गई है और पत्रकार का नाम रमन कश्यप बताया गया है। ये बताया गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा लखीमपुर खीरी में दंगल कराया जा रहा था। उस दंगल में भाग लेने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे। इस मध्य उनको लेने के लिए गाड़ियां रवाना हो रही थी, उनकी अगवानी के लिए गाड़ियां रवाना हो रही थी, और ये कहा गया है अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा कि इस मध्य स्वयं को किसान नेता बताने वाले लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले में उनके 4-5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता उन्होंने बताए हैं। और ये बताया गया है कि इस दौरान जो गाड़ी असंतुलित हुई उस गाड़ी के नीचे दबकर लोगों की मौत हुई है। इस तरह से ये बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है और ये घटना आप समझ ही सकते हैं कि क्यों हुई है, किस लिए हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत राजनीतिक सरगर्मियां लगातार दिनों दिन तेज होती जा रही हैं और इसी रूप में इस घटना को लिया जा रहा है कि ये चुनावी बिगुल जो बजा है उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत भर है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। 8 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग काल के गाल में समा गए हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में और मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। और देखना होगा कि ये राजनीति आगे किस करवट बैठती है। फिलहाल तो इस घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, पूरे प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है।